हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शालू, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपना सीटीएम रूटीन। और आप में से कई लोगों को पता होगा सीटीएम करने से क्या होता है और सीटीएम कैसे किया जाता है, और कई लोगों को नहीं पता। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप अपनी डल स्किन से परेशान हो, चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है, फेस रूखा रूखा सा बेजान लगता है, तो फ्रेंड्स ये सीटीएम रूटीन फॉलो करो। यकीन मानिए आपका चेहरा एकदम खिला खिला उठेगा। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपको यूज नहीं करने हैं। जो आपके पास है आपको उसी से ट्राई करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन कर लेना है। आपके पास कोई भी अच्छा फेस वॉश हो, कोई भी अच्छा क्लींजर हो। मैंने अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लिया है, क्लीनिंग मेरा हो गया है। अब ये है गुलाब जल। मैं गुलाब जल से अपने फेस को टोनिंग करूंगी। तो ये मैंने गुलाब जल ले लिया है और कॉटन के साथ लेना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो बहुत अच्छा है। स्प्रे बॉटल से पहले आप ऐसे स्प्रे कर सकते हो अपने फेस पे। अगर नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, कॉटन में लेना है और अपने फेस पे ऐसे ऐसे लगाना है। आईज के आसपास डार्क सर्कल्स हैं तो उससे भी आप 2-4 सेकंड के लिए ऐसे पुश करके रख सकते हैं, दबा के रखिए। आपके ऊपर अगर स्वेलिंग है हल्का हल्का ऐसे कर सकते हैं। इससे पूरे अपने फेस को क्लीन करना है एज अ टोनर। हल्के हाथों से मसाज करना है। तो अपने हैंड को अपने सारे ऊपर ऐसे रखना है। को भी आप कर सकते हो। क्लींजिंग कर लिया, टी हमने टोनर कर लिया है। अब बारी आती है हमारे मॉइस्चराइजर की। जी हाँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मॉइस्चराइजर हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ऑयली ऑयली हो जाती है तो हमें मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना चाहिए। ये गलत है। हमें अपने फेस पे डेली मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। तो ये मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क। ये मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन के लिए ये बहुत कम सूटेबल है, तो मैं ये अपनी स्किन पर लगाती हूँ। ये मेरी स्किन पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। अगर फ्रेंड्स आपकी स्किन ऑयली है और आपको मॉइस्चराइजर लगाने से बहुत पसीना आता है तो आप मार्केट में जेल बेस के मॉइस्चराइजर होते हैं वो आप अपने लिए यूज कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छे होते हैं ऑयली स्किन के लिए। जो भी मसाज होगा सब ऊपर की तरफ करना है जिससे आपकी स्किन लूज ना पड़े। इसको मॉइस्चराइज भी कर लिया है। अब मेरी स्किन पूरी तरह से ग्लोइंग हो चुकी है। आप इस चीज को कंटिन्यू करोगे 1-2 महीने तो आपको खुद रिजल्ट आपके सामने होगा कि आपकी स्किन हेल्दी हो रही है और ग्लोइंग हो रही है। जो डल स्किन वाले परेशान हैं, बेजान स्किन हो रखी है, परेशान है, तो आपको अगर आप ये चीज कंटिन्यू करोगे तो आपकी स्किन एकदम खिली खिली ग्लोइंग फेस हो जाएगा आपका। मैं अपने सीटीएम को एक दिन में 2 बार करती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ तब, और जब मैं रात को सोने से पहले सीटीएम फॉलो करती हूँ। तो एक दिन में 2 बार आप लोग भी करिए और इसके बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। मैं अपने सीटीएम को इसी तरह से फॉलो करती हूँ। मैं अपने फेस पर कोई भी मेकअप अप्लाई कर सकती हूँ बिना किसी डर के। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।